वेलकम टू माई YouTube चैनल, आई एम डॉक्टर अयूबी और आज मैं आपके लिए एक बेहद स्पेशल सा रिव्यू लेकर आया हूँ। रिव्यू है L-arginine का। गाइज, अगर आपने कभी कोई भी शक्तिवर्धक दवाई इस्तेमाल की है, चाहे वो सेक्स में स्टेमिना बढ़ाने वाली हो या फिर अगर आप जिम जाने वाले लड़के हैं और आप अपने एक्सरसाइज का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप देर तक एक्सरसाइज करें, तो इसके लिए कई बार आपने कुछ पावर बूस्टर दवाइयां ली होंगी। अगर आप हैमर ऑफ थॉर जैसे जो काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है और काफी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालेंगे तो वहां आपको एक L-arginine नाम का इंग्रेडिएंट दिखाई पड़ेगा। तो सवाल उठता है, ये L-arginine क्या है जो अक्सर स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो आज का रिव्यू इसी बारे में है। तो गाइज, L-arginine, सबसे पहले इसका एक परिचय जान लेते हैं क्या। आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर का संरचनात्मक ढांचा होते हैं, यानी हमारे शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां और यहां तक कि ब्लड भी किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इन्हीं से हमारा शरीर बनता है। प्रोटीन का मुख्य काम हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाना है और खास तौर से मांसपेशियां यानी मसल्स यानी के गोश्त बनाना है। तो हमारे शरीर की जो बलिष्ठता है वो प्रोटीन पर डिपेंड करती है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड के अलग अलग मात्रा में मिलने से बनते हैं। उन्हीं 20 में से एक अमीनो एसिड है आर्जिनिन और इसका एक आइसोमर होता है L-arginine, एक होता है D-arginine। तो हमारे शरीर के लिए जो यूज होता है वो है L-arginine। तो क्या हम L-arginine को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का एक घटक है? नहीं, बल्कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं संरचनात्मक ढांचा बनाने के लिए और हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो गाइज, एक बात मैं क्लियर करता चलूं आपको कि यूं तो हमें और भी अमीनो एसिड की जरूरत होती है और वो हमें खाने से मिल जाते हैं, लेकिन L-arginine का हम खास तौर से इस्तेमाल अगर पावर बूस्टर के तौर पर करते हैं तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके फायदों के बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लेते हैं कि आखिर ये इतना खास बना कैसे। जब L-arginine को हम खाते हैं तो अंदर जाकर ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है खून की नलियों को फैलाने का, यानी ये एक तरह का वैसोडाइलेटर होता है। तो जब खून की नलियां फैलती हैं तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इस तरह से हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है। तो ये आपने समझा कि ये स्टेमिना बढ़ाता कैसे है। अब जानते हैं इसके फायदे। गाइज, इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके स्पेशल फायदे बताता हूं। ये जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, खास तौर से दो कंडीशन में। अगर आप जिम जाने वाले लड़के हैं तो ये आपका स्टेमिना बढ़ा देता है और आप लंबे समय तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आप इसको सेक्स में स्टेमिना बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं तो इससे आपकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, आप थकते नहीं हैं और एक बार में, एक रात में आप कई बार संभोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका स्टेमिना बढ़ा देता है, शीघ्र पतन भी दूर करता है। बाकी इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि ये दिल के दौरे में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा पेट की कई बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है। बात करते हैं इसके डोज की। अगर आप स्टेमिना बूस्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी डोज है 2.5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में, यानी 2.5 से 5 ग्राम के बीच में। और अगर आप किसी और वजह के लिए इसका इस्तेमाल करें, जैसे एंजाइना के लिए, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो गाइज, मेरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इसकी स्टेमिना बढ़ाने वाली डोज बता रहा हूं, 2.5 से 5 ग्राम। साइड इफेक्ट, चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड के तौर पर यह अंदर बदलकर खून की नलियों को फैलाता है, तो इसका जो काम होता है वो एक तरह से ब्लड प्रेशर को कम करने का भी होता है। तो इसके वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और आप हाइपोटेंशन का शिकार हो सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑलरेडी बीपी के पेशेंट हैं और बीपी की दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए,
तो आप इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इसके अलावा इसका कुछ दवाइयों से इंटरेक्शन भी रहता है, खासतौर से ब्लड प्रेशर वाली दवाइयों से इसका इंटरेक्शन रहता है। लास्ट में मैं आपको बताता चलूं एलार्जिनिन के बहुत छोटे से पॉइंट के पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप व्याग्रा या मैनफोर्स या सिल्डेनाफिल इन नामों से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही होता है कि ये लिंग की नसों को फैला देती हैं और उनमें खून भर जाता है, और ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड पर ही काम करते हैं। तो इसलिए ये एल आर्जिनिन भी कैसे काम करता है, ये भी लिंग की नसों को फैलाकर एक तरह से नपुंसकता दूर करने के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बाजार में कई तरह का अवेलेबल है और आप इसको किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये आप कैप्सूल देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में है ये कार्बामाइड फोर्ट नाम की कंपनी का है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो एलार्जिनिन के बारे में इतना ही, और ऐसी ही वीडियो ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। पर आपके साथ की बेहद जरूरत है, आप वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।